बीपी सिंह चिड़ौता से बोल रहा हूँ। ब्लॉक असर डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज रात को मेरा जो मकान था पीएमजी की तरफ से मिला था मुझे, वो डैमेज हो गया है और सामान भी इसी में था। तो मैं अब अपना जो बाल बच्चा हमारा फैमिली है तो वो अभी बाहर रह रही है, तो गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ मुझे कुछ अमदाद दी जाए। और ये मकान भी जो मिला था मुझे पीएमजी की तरफ से मिला था, पीएमएवाई से मिला था। तो लिहाजा यही गुजारिश है एसडीएम साहब से और गवर्नमेंट से, तो मुझे कुछ अमदाद दी जाए। होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजाम के साथ पेश कर रहा है बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजाम। अब आपके डोडा में नगरी डोडा में आईटीआई के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी पीजी और मेल फीमेल सैलून है बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, सीसीटीवी सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रिहान नामी रेस्तरां भी है जिसमे मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तियाब है। मजीद मालूमात के लिए रابطہ करें 7051100550 9906015866। मेरा नाम बीपी सिंह है, ब्लॉक असर डिस्ट्रिक्ट डोडा, पंचायत चिड़ौता, पंचायत चिड़ौता एक वार्ड नंबर एक रहने वाला हूँ मैं। तो आज रात को बर्फबारी की वजह से जो हमारा मकान था पीएमजी की वाई की तरफ से जो मकान मिला था हमें, तो वो आज रात को बर्फबारी की वजह से डैमेज हो चुका है। तो हम इसी मकान में रहते थे और दिन को यहीं रहते थे, रात को एक छोटा सा हमारा गौड़ था उसमें रहते थे और रात को बर्फबारी की वजह से ये डैमेज हो गया है। तो और जो हमारा सामान और जो कुछ भी था हमारे पास वो इसी में दब चुका है। तो लिहाजा मेरी यही अपील है गवर्नमेंट, लिहाजा यही गुजारिश है एसडीएम साहब से और गवर्नमेंट से, तो मुझे कुछ अमदाद दी जाए। सरपंच साहब जी, आप अभी पंचायत चढ़ोता अपनी यानी अपनी पंचायत में, और आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए 26 जनवरी, और आप यहाँ पे एक मौका करने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या हुआ है यहाँ पे पंचायत चढ़ोता? मैं सरपंच पंचायत चढ़ोता ऐसे हूँ, ब्लॉक असर डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, यहाँ पे आया हूँ। अपर चढ़ोता गाँव का नाम है, मेरे घर के नजदीक ही है ये। यहाँ रुमाल सिंह वाले मकान दिया गया था पीएमए वाई की तरफ से, तो ये डैमेज हो चुका है, रात को ही हुआ है कहीं। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये परिवार यहाँ नहीं था, यही कहीं इनका गोड़ है बनाया हुआ, वहां ये रहते हैं रात को, दिन को यहीं पे रहते हैं। तो पूरी तरह से ये जो है जितना भी ये मकान है पूरा डैमेज हो चुका है, इस बंदे के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा, एसडीएम साहब से अपील करूंगा कि इसकी सरकार की ताकि ये आदमी अपने रहने का कोई इंतजाम कर सके, क्योंकि इसका बहुत ही बुरा हाल है। अब इसको रहने के लिए वही एक गौड़ बचा है, माल मवेशी भी वहां पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, वो कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा। तो मेरी सरकार से इंतजार रहेगी कि इसको कम से कम फौरी तौर पे कोई इमदाद की दी जाए ताकि ये मकान जो है दोबारा से कुछ खड़ा कर सके और अपना रहने का कुछ इंतजाम कर सके। बाकी ये लोग भी आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए, क्योंकि रात को ये हादसा हुआ ये बर्फबारी की वजह से, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी है यहाँ पे, 1.5 मीटर से ज्यादा की यहाँ बर्फ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सरकार से और एसडीएम साहब से खासकर जो हमारे इस वक्त मौका पे हैं, वो इस बंदे की कुछ मदद करें ताकि ये मकान जो है दोबारा से कुछ खड़ा कर सके और अपना रहने का कुछ इंतजाम कर सके। बाकी ये लोग भी आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए, क्योंकि रात को ये हादसा हुआ ये बर्फबारी की वजह से, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी है यहाँ पे, 1.5 मीटर से ज्यादा की यहाँ बर्फ है।
तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सरकार से और एसडीएम साहब से, खासकर जो हमारे इस वक्त मौका पे हैं, वो इस बंदे की कुछ मदद करें। शुक्रिया, धन्यवाद सुरेंद्र साहब।